मानना पड़ेगा आंटी, आपका और नरेन का मन बिल्कुल एक जैसा ही, हमेशा दूसरे को ही अपना सारा क्रेडिट दे देते। मानना तो तुम्हें पड़ेगा सुरभि, बहुत हिम्मत वाली हो। राहुल के साथ इतना सब कुछ हो गया, पर अब भी तुम परिवार के साथ खड़ी। नरेन जैसा लाइफ पार्टनर पाने के लिए तो मैं 100-100 राहुल कुर्बान कर दूं भुआ जी। जी मामा। हाँ लड़की, तू ठीक है ना? देख बेटा, ये बड़ा मुश्किल वक्त है, लेकिन ये दिन तो आना ही था ना, और ये बात तू अच्छी तरह से जानती थी। अब जब तेरा मकसद पूरा हो गया है, तो तेरा उस घर से और नरेन बाबू से विदा लेने का वक्त आ गया है। हेलो बंधु, आज दिन रहते ही शुरू हो गए। इतना हैरान क्यों हो रहे? इन सिद्धियों का तो तुमने अब तक भरपूर फायदा उठाया है। मुद्दे पर आइए गुरुजी। बहुत बौखलाए हुए लग रहे हैं। जेल की हवा खाने का डर अभी से तो नहीं सता रहा है। फिलहाल मैं तुमसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर इन सिद्धियों से मैं व्यास परिवार की जड़ हिला सकता हूं, तो तुम्हें भी मिट्टी में मिला सकता हूं। और इस दफा तो मेरे साथ मेरे अच्छे कर्म की शक्तियां भी हैं। फोन क्यों किया है? ये बताने के लिए कि नियति तुम्हें सुधरने का मौका दे रही है। अवसर का लाभ उठाओ, वरना मुझसे पहले व्यास परिवार का सारथी नरेन व्यास तुम्हारी गाड़ी पटरी पर से उतार देगा। इस नरेन का कुछ करना पड़ेगा।